Yeah, good evening and welcome to our next lesson of Vedic astrology. See, the last lesson that we did was on the functional nature of planets. वो हमने पढ़ा था, but उसमें मैंने शायद आपको बोला था वो I have made some amendments or additions in that, जो कि वो हमारे write-up में नहीं था. वो मेरा ओल्ड राइटअप था जो मैं फर्स्ट बैच को पढ़ाया था. उसके बाद सब्सिक्वेंटली एडेड अ कपल ऑफ थिंग्स इन दैट. तो वो राइटअप मुझे मिल नहीं रहा था. एनीवे आई गॉट इट, सो दैट इज व्हाई यू नो दैट डे इज वीडियो आई डिडंट पोस्ट इट. एंड इन फैक्ट आई पोस्टेड माय लास्ट बैच वीडियो ऑन द सेम टॉपिक. उसको वी विल जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड यू नो उसको एक बार हम देख लेंगे. देयर इज जस्ट वन प्लेस जहां पे हमने उसमें थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ चेंज किया है. उसको हम देख लेते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी म्यूटेड एंड जरूरत पड़ने पर कुछ आप मुझे अनम्यूट अपने आप को कर लीजिएगा. अनम्यूट करके फिर बात कीजिएगा. तो वी जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स. वो मैंने जो मेरा एक amended जो टॉपिक का राइट अप था, the functional nature of planets, you know, कौन अशुभ ग्रह मानते हैं, किसको शुभ ग्रह मानते हैं, उसको हम 5 मिनट टाइम दे करके उसमें खाली जो हमने चेंज किया है वो उसको हम समझ लेंगे. ठीक है ना, उससे थोड़ा सा टेबल में चेंज. I have already sent that video to you, but we'll just discuss that. Okay, we'll take 5 minutes, 10 minutes on that. So I'm going to share my screen with you. And वो स्क्रीन आ जाएगी तो मुझे बताइएगा. लेट मी नो यू नो व्हेन द स्क्रीन कम्स. इट्स कम सर. ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया था. ऑल दिस वी हैड स्टडीड एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू रिपीट इट. कहां हमने चेंज किया है उसमें वो देखिए नीचे. ये खाली इन दिस मोस्ट बेनिफिक सेक्शन. ओके, मोस्ट बेनिफिक सेक्शन में हमने कुछ अपने तरफ से इसमें एक चेंज किया है. एंड अकॉर्डिंगली दिस टेबल ऑन द राइट साइड, अकॉर्डिंगली दिस टेबल हैज चेंज्ड. व्हाट चेंज आई हैव मेड वो उसको मैं थोड़ा सा जो ओरिजिनल सिस्टम्स अप्रोच है उसमें हमने एक अपने तरफ से ऐड किया है. मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट किसको बोलते हैं, सबसे शुभ ग्रह किसी भी हॉरोस्कोप में, जो वैदिक का हम वेरियंट पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, उसमें हम मोस्ट बेनिफिक. उस दिन हमने पढ़ाया था कि द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस हैविंग अ मूल त्रिकोण राशि इन इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट बेनिफिक हाउस. नाउ उसमें आई हैव जस्ट एडेड समथिंग. सी दिस फर्स्ट पैराग्राफ. इन एनी हॉरोस्कोप द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ एंड और इलेवेंथ हाउस कंटेनिंग अ मूल त्रिकोण. Empty means mool trikona. Rashi is oblique are the MBPs, MBP or MBPs of the horoscope. उस दिन हमने बताया था कि fourth house में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है, fourth house में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है तो उसका लॉर्ड जो है ना वो उस हॉरोस्कोप का, उस लग्न के हॉरोस्कोप का इट इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट. मैंने अपने तरफ से इसमें एक ऐड किया बिकॉज एक्सपीरियंस शोज that 11th house in any horoscope is perhaps according to me if not the most benefic out it is one of the most it is one of the definitely amongst the top 2 benefic houses. So accordingly ye phir table thoda change ho jayega. Isme aries mein jo hai khali moon tha to moon ke sath saturn aa jayega. Taurus ke sath gemini mein mercury ke sath mars aa jayega. Virgo mein jupiter ke sath moon aa jayega. स्कॉर्पियो में सैटर्न के साथ मर्करी आ जाएगा.
ठीक है, आई जस्ट रीड दिस आउट. इन एनी हॉरोस्कोप द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ एंड और 11th हाउस कंटेनिंग अमूर्त त्रिकोण राशि इज आर द मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट्स ऑफ द हॉरोस्कोप. इफ देयर इज नो मूल त्रिकोण राशि इन फोर्थ एंड और 11th हाउस देन द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस ये सेम इट रिमेन्स द सेम कंटेनिंग अमूल त्रिकोण राशि बिकम्स द मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट ऑफ द हॉरोस्कोप. इफ देयर इज नो मूल त्रिकोण राशि इन द सेकंड हाउस also then the lord of the ninth house with a mool trikon rashi becomes the most benefic planet. In case there is no mool trikon rashi in the ninth, too, then the lord of the third house containing a mool trikon rashi becomes the most benefic planet. So aap usko yun yaad rakhiyega 4 11 2 9 3 इसे आप याद रखेंगे 4 11 2 9 3. अगर फोर्थ हाउस में यहां मैं इसको ये कर देता हूं जस्ट ओके, सो फोर्थ हाउस और 11th हाउस में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि होगी, आई होप मूल त्रिकोण राशि आप लोगों ने याद कर लिया होगा यहाँ किस ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है. तो अगर फोर्थ और 11th हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि होगी तो इनके लॉर्ड्स जो हैं वो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, मतलब सबसे शुभ फल देने की क्षमता वो रखते हैं. उसके बाद अगर इन दोनों में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है या इनमें से दो में से एक है, दोनों में नहीं है, तो फिर सेकंड हाउस में चला जाता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ द मोस्ट बेनिफिक हाउस देन पासेस टू द सेकंड हाउस. देन सेकंड में भी अगर नहीं है थर्ड हाउस को पास ऑन कर जाता है, थर्ड हाउस में भी नहीं है तो नाइन्थ हाउस को कर जाता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एरीज के लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स जो है मून और सैटर्न है. Okay, because they become the respective lords of the 4th and the 11th house. Taurus ka sun hai, Gemini ka Mercury aur Mars hai, Cancer ke Venus hai. Ye ratne ki zarurat nahi hai. If you have the concept clear, to apne aap lagn ke hisab se most benefit, sabse shubh grah aap nikal sakte hain. Cancer ka Venus hai, Leo ka Mercury hai, Virgo ka Jupiter aur Moon hai, Libra ka Jupiter hai, Scorpio ka Saturn aur Mercury hai, Sagittarius ka sun hai, Capricorn का मार्स है, Aquarius का वीनस है, Pisces का मार्स है. So ये this is the slight change that I have. Malefic part में जो है कोई change नहीं है. This is the slight change that I have made. Okay, and which empirically मुझे जो मैं देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ या देख पाया हूँ अभी तक, मुझे उसमें मुझे ऐसे लगता है कि 11th house has a big role to play. You know, as far as the good events, the good events and the general progress in a native's life is concerned, 11th house plays a big role. You can say it's a all encompassing house. 11th से सारे फायदे होते हैं. 11th आपको तरक्की देगा, promotion देगा, gains देगा, career progression देगा, शादी में भी role play करता है. ठीक है, everything positive in life, aapka 11th house has a role to play. Okay, it has a role to play. वैसे तो बाकी जो हैं except 6, 8 and 12, they are all benefic houses, but in order of strength, these are the most benefic planets for a given lagna, for a given ascendant or a given lagna. तो ये concept था जो कि मैंने इसमें मिस कर गया था. दैट इज वाई उस दिन वाला वीडियो हमने पोस्ट करने के बाद डिलीट कर दिया. ठीक है, और अपने पुराने बैच का हमने वीडियो डाल दिया है. पुराने बैच में हमने यही पढ़ाया था, सेम वीडियो हमने डाल दिया उसमें. तो एनीवे, दिस टॉपिक इज नाउ ओवर. फंक्शनल
definition and the understanding the concept conceptual part regarding what are functional which are what is a functional malefic planet and which is a functional benefic planet, ये हमारे समझ में आ गया होना चाहिए. और with all you know I humbly and modestly request you all, ये चार दिन का गैप जो मिलता है तो इसमें जो हम पढ़ते हैं उसको आप लोग कृपया रिवाइज कर लिया कीजिए, प्लीज रिवाइज कर लिया करें. ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, perhaps as I wrote in the message today, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ये तो आसान है समझना, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्लैनेट्स. वन थिंग बिफोर आई यू नो बिफोर आई ओपन दैट स्क्रीन, वन थिंग यू मस्ट बेयर इन माइंड, अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो अशुभ ग्रह है, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है, दैट इज नेसेसरली अ वीक प्लैनेट. ऐसा नहीं है, अशुभ ग्रह कोई जरूरी नहीं है कि वो वीक प्लैनेट होगा, और शुभ ग्रह कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा. ये डिस्टिंक्शन हमको बहुत ही, ये बहुत सटल डिस्टिंक्शन है, और दिस इज यू नो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये समझना जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, दिस वेरिएंट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी विच वी आर स्टडिंग, इसमें ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसके बिफोर गोइंग टू दैट, यू नो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इवन मैं इसको स्क्रीन को चेंज कर देता हूं, उसके बाद में बात करता हूं. आ जाएगी स्क्रीन आप लोगों के सामने. उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो जो टेबल अभी आपने देखा वीक फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स का और बेनिफिक प्लैनेट्स का, ठीक है, एफएमपी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट और बीपी बेनिफिक प्लैनेट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम उनको ऐसे ही कहेंगे. ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट यानी कि फंक्शनली अशुभ ग्रह वो हमेशा खराब रिजल्ट देगा, प्लीज याद रखिएगा. इवन एक अशुभ ग्रह जैसे से फॉर एग्जाम्पल इन दी सपोज इट इज अ टॉरस हॉरोस्कोप, वीनस जो है वीनस टॉरस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मैलिफिक है बिकॉज इट इज लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस वेयर इट्स मूल त्रिकोण राशि इज सिचुएटेड. तो क्या वीनस जो है टॉरस नेटिविटी को सिर्फ खराब ही रिजल्ट देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. There will be certain horoscopes where Venus, जो कि weak functional malefic है, वो अच्छा भी result दे सकता है. And a functional benefic planet, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा ही result देगा. It is not necessary that a functional benefic planet will give you only positive results. वो भी खराब रिजल्ट दे सकता है अगर वो वीक है. वीकनेस का पैमाना जो है, हाउ अ प्लैनेट इज वीक एंड हाउ अ प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग, वो हम पढ़ेंगे. तो उसको समझना है और उसका डिस्टिंक्शन समझ लेना है. अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आल्सो, एंड इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इट इज केपेबल ऑफ गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. इट विल गिव बैड रिजल्ट्स, बट व्हेन इट विल गिव बैड रिजल्ट्स वो हम पढ़ेंगे. And a functional benefic planet can be a weak planet. If it is a weak planet, then it will not give you bad results, but it will not protect the significations that are assigned to it. Say, for example, the natural karaka for marriage. The natural karaka for marriage, Venus. ठीक है, Venus किसी horoscope में फंक्शनल बेनिफिक है, लेकिन वो एकदम अटरली वीक है, हो गया है. अटरली वीक का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे.
वो क्या करेगा, वो शादी देना जो उसका काम है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसका वो ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाएगा, शादी डिले कराएगा या शादी नहीं होने देगा, देयर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स। तो एक फंक्शन मैलिफिक प्लैनेट जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, या अपना जो उसका उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो उसके कारकत्व है, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एनीवे ये देखिए, एक हमने एक राइटअप बनाया है, प्लैनेटरी स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्लैनेट्स। प्लैनेटरी स्टेट जल्दी जल्दी हम करेंगे, और वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को आज समझना है, और इसको समझना है, एंड दिस इज वन कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको बिल्कुल आप अच्छे से समझ लेंगे तभी हम इसमें आगे वैदिक में जो हम सिस्टमैटिक अप्रोच पढ़ रहे हैं उसको हम ठीक से समझ पाएंगे। तो कुछ प्लैनेटरी स्टेट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं इन एनी गिवन हॉरोस्कोप। कर्सर बदलता हूँ मैं, चलिए ठीक है देख लीजिए, कोई बात नहीं। इन एनी गिवन हॉरोस्कोप प्लैनेट्स कैन बी इन डिफरेंट स्टेट्स विद इन्फेंसी। कोई भी ग्रह जो है वो इन्फेंसी मतलब बाल अवस्था, बच्चा। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, एक एक राशि के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 30 डिग्रीज होते हैं, और उस 30 डिग्रीज के अंदर कोई भी प्लैनेट 0 से 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में कहीं भी आपके जन्म के टाइम में वो सिचुएटेड हो सकता है। तो अगर प्लैनेट 5 डिग्री तक सिचुएटेड है, 5 डिग्रीज तक, तो वो बाल अवस्था में होता है, वो प्लैनेट थोड़ा वीक हो जाता है। कितना वीक हो जाता है वो हम समझेंगे। वो अगर 0 डिग्री का है तो बिल्कुल ही पावरलेस हो जाता है, 1 डिग्री का है तो उसको 20% पावर मिलती है, 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो 40% पावर मिलती है, ठीक है, 3 डिग्री का अगर है तो 60% पावर मिलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी एनी प्लैनेट विद अ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब जिसको अंश बोलते हैं, विद अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 5 डिग्रीज इज सेट टू बी इन इन्फेंसी एंड इज कंसिडर्ड टू बी वीक व्हेन इट कम्स टू गिविंग इट्स रेलेवेंट रिजल्ट। कोई प्लैनेट रिजल्ट कब देता है, अपने महादशा अंतरदशा में, अपने दशा पीरियड में और ट्रांजिट में भी। गोचर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, हमने आपको बताया था। तो कोई भी प्लैनेट 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जर रहता है उसको कमजोर माना जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मेरा काम कम शोध मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रिसर्च, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा, बट उसमें हमारे कुछ अभी जो है फाइंडिंग्स में हैं रिजर्वेशंस, स्पेशली रिगार्डिंग द स्लो मूविंग प्लैनेट्स, उसके हम बात करेंगे। अभी आप लोग ये समझिए, 5 डिग्री तक कोई प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में सिचुएटेड है, अपना हॉरोस्कोप देखिएगा, 5 डिग्री से कम कर तो वो कुछ हद तक कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ओल्ड एज, एनी प्लैनेट विद अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 25 डिग्री एंड अबव इज सेट टू बी इन ओल्ड एज। 5 डिग्री तक बाल अवस्था में होता है, और ओल्ड एज यानी कि 25 डिग्री से 30 डिग्री तक वो वृद्धावस्था में होता है, ओल्ड एज में होता है। तो उसी तरीके से जैसे एक बच्चा कमजोर होता है, उसी तरह एक वृद्ध आदमी भी कमजोर होता है। कितना कमजोर होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ठीक है ना। तो जैसे 30 डिग्री पर पहुंच गया तो उसकी पावर 0 हो जाती है, 29 पर अगर है तो उसकी पावर जो है वो 20% रह जाती है। ये उल्टा चलेंगे, 26 डिग्री पर उसकी पावर जो है वो 80% रह जाती है, ठीक है, 24 डिग्री पर फिर वो 60% हो जाती है। इसी प्रकार समझिए, बट एनी प्लैनेट विच इज इन इन्फेंसी बाल अवस्था, और एनी प्लैनेट विच इज इन ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था, तो वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। और अपने रिजल्ट देना में उसकी कम नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन वो कमजोरी के साथ रिजल्ट देगा। इसके कुछ इस सब के कुछ एक्सेप्शन हैं, उसको हम लोग, ये जनरल रूल्स हैं। देखिए, ऑल प्लैनेट्स इन देयर ओन साइन
मूल त्रिकोण साइन, देखिए आप लोगों को याद होगा, ऑल प्लैनेट्स इन देयर ओन साइन, अपने अपने राशि में, हर प्लैनेट के दो राशि होते हैं सन मून को छोड़ करके, सन मून की एक होती है, इन देयर ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन, एग्जॉल्टेड साइंस एंड फ्रेंडली साइंस आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग टू गिव देयर रिजल्ट्स। कोई भी प्लैनेट अपने राशि में बैठा होता है, खास करके मूल त्रिकोण राशि में, अपनी उच्च राशि में और अपने मित्र राशि में, आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग टू गिव देयर रिजल्ट्स। मित्र राशि का कॉन्सेप्ट उतना हम लोग नहीं मानते हैं जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी ओन साइन, मूल त्रिकोण, एग्जॉल्टेड को हम लोग मानते हैं। इनमें जो ग्रह बैठे रहते हैं, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा अगर टॉरस में बैठा हुआ है तो वो उच्च का माना जाता है, ओन साइन चंद्रमा का कौन सा है, कैंसर है, और मूल त्रिकोण भी वही है, तो मूल चंद्रमा अगर 4 नंबर में यानी कि कर्क में या कैंसर में बैठा है तो हम कहते हैं कि ये मजबूत है। या कोई ग्रह अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हुआ है, जैसे सैटर्न, सैटर्न का एग्जॉल्टेड साइन क्या होता है, लिब्रा होता है, 7 नंबर की राशि, तो सैटर्न अगर 7 नंबर में बैठता है तो वो अच्छा फल देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, कॉम्बस्ट प्लैनेट्स, देखिए कॉम्बस्ट, अच्छा ओल्ड एज आ गया, इन्फेंसी आ गया, कॉम्बस्ट प्लैनेट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल हम लोग इसको मानते हैं। इसको आगे जब हम प्रेडिक्शंस में आएंगे तो और हम क्लियर करते जाएंगे, ये खाली याद रखिए। फिलहाल कॉम्बस्ट प्लैनेट्स को हिंदी में बोलते हैं अस्त ग्रह, अस्त, चंद्र, सूर्य, सूर्य जो ग्रह हैं उनके दोनों तरफ, उनके दाएं दाहिने तरफ या बाएं तरफ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब कोई ग्रह रहता है तो वो अस्त माना जाता है या कॉम्बस्ट माना जाता है, यानी कि उसकी अपनी रोशनी जो है सूर्य के रोशनी में दब जाती है, उसकी क्षमता जो है रिजल्ट देखने देने की वो दब जाती है। इसको मैं पढ़ देता हूँ, वेन एवर अ प्लैनेट कम्स नियर टू द सन इट लूजेज इट्स लस्टर, लस्टर मतलब वही चमक या उसकी रेज, जो आप सुनते हैं ना एक्लिप्स, इसको आप वही समझिए, उनकी रोशनी चंद्रमा के वजह से कुछ उसकी पावर कम हो जाती है, इट लूजेज इट्स लश्चर टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड ऑल्सो इट्स स्ट्रेंथ। इफ सच अ कॉम्बस्ट प्लैनेट इज ऑल्सो वीक ऑन अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स, इट बिकम्स वेरी वीक एंड एट टाइम्स इट सिग्निफिकेशन डू नॉट इवन टेक बर्थ। सूर्य के अगल बगल प्लैनेट्स रहते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, और वो ऐसे प्लैनेट जो कि और भी कारणों कारणवश जो हैं कमजोर होते हैं, अगर वो अस्त हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। प्लैनेट्स आर सेड टू बी कॉम्बस्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सन एज अंडर, ये आपको याद करना पड़ेगा। मून, चंद्रमा जो है सूर्य के आजू बाजू दोनों तरफ 12 डिग्री के फासले पर है तो अस्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या मतलब है हमारा कहने का, अगर सूर्य 10 डिग्री पर है, सूर्य 15 डिग्री पर है, मान लीजिए सूर्य, समझिए यूं किसी राशि में सूर्य 15 डिग्री पर बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है या 4 पर है या 5 पर है, 12 डिग्री से कम के फासले पर है तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सूर्य 10 डिग्री पर है तो चंद्रमा 22 डिग्री तक अगर बैठा हुआ है उस राशि में, यानी कि 12 डिग्री के फासले पर, तो वो अस्त हो जाएगा, मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी। इसी प्रकार मार्स, मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, जुपिटर 11 डिग्री, सैटर्न 15 डिग्री, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, ये आप कहीं नोट करके रख लीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सेव कर लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए, जब आप याद करने में अगर प्रॉब्लम है तो याद कर ले तो बहुत अच्छा है। प्लीज नोट दैट कंबस्शन मे नॉट ऑलवेज बी बैड, ठीक है, इसको हमने यहाँ क्वालिफाई कर दिया है, वो उसके बहुत सारे वो हैं,
इफ्स एंड बट्स हैं, सन अगर मैलिफिक है, सन बेनिफिक है, ये प्लैनेट्स मैलिफिक हैं, ये बेनिफिक हैं, तो फिर अस्त होने का असर ज्यादा खराब होता है। एट टाइम्स जब सन और जो अस्त ग्रह हैं वो दोनों अगर शुभ ग्रह हैं, फंक्शनल बेनिफिक हैं, तो अस्त होने के कुछ फायदे भी होते हैं। ठीक है, वी शैल डिस्कस दिस एज वी गो अलोंग। ये अभी आप समझ लीजिए कि एज अ जनरल रूल अस्त ग्रह जो है कमजोर हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं। एंड एक चीज और है, डोंट जंप द गन। ओके, जैसे आज मुझसे किसी ने कुछ एक सवाल किया, तो मैंने कहा भाई ऐसा है ना कि हम आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ द क्लास। जहां हैं आपको मैं अलग से समझा दूंगा, कोई आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं उसमें कहीं फंसे हैं वो सब, लेकिन अभी डोंट जंप द गन, है ना। जैसे आज किसी ने हमको वीक और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के बारे कुछ पूछा, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाइए, नेक्स्ट हमारा वही क्लास है। तो ये कंबस्शन का ये जो है कॉन्सेप्ट है, राहु एंड केतु आर नेवर ट्रीटेड एज कॉम्बस्ट। राहु एंड केतु तो सन के अगल बगल रहेंगे तो वो ट्रीटेड एज कॉम्बस्ट नहीं माने जाएंगे, बल्कि सन जो है राहु केतु के साथ कंजंक्शन में आएगा तो कमजोर माना जाएगा, राहु केतु कॉम्बस्ट नहीं होंगे। ओके, देखिए अब हम आते हैं फ्रेंड्स, दो ग्रुप्स में प्लैनेट्स बते हुए, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, चूंकि एक कॉन्सेप्ट है मैं बता दे रहा हूँ, आप याद करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सन मून एंड मार्स आर फ्रेंड्स एंड जुपिटर इज देयर परसेप्टर। ये एक ग्रुप है, सन मून मार्स आर फ्रेंड्स एंड जुपिटर इज देयर परसेप्टर। सैटर्न मर्करी राहु केतु आर फ्रेंड्स एंड वीनस इज देयर परसेप्टर। परसेप्टर मतलब गुरु एक तरह से, प्लैनेट्स हेड कह लीजिए, गुरु कह लीजिए। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका है महत्व, है वो लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं मानते इसको, बस कॉन्सेप्ट है तो मैंने लिख दिया। प्लैनेट्स इन द कंपनी और हाउस ऑफ फ्रेंड्स फील हैप्पी एंड दस गेन स्ट्रेंथ। एनिमीज, प्लैनेट्स इन वन ग्रुप मेंशनड अबव आर जनरली इनिमिकल टू प्लैनेट्स इन द अदर ग्रुप, फॉर सैटर्न इज एन एनिमी ऑफ सन एंड सो ऑन। एस्पेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एस्पेक्ट्स, हम दृष्टियां हम पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर। वो आप लोग याद कर लीजिएगा, हर हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, स्पेशल दृष्टियां जुपिटर की पांचवी नौवीं होती है, मंगल की चौथी आठवीं होती है, सैटर्न की तीसरी दसवीं होती है, सातवीं के अलावा राहु और केतु की पांचवी और नौवीं होती है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। कंजंक्शंस, देखिए एक कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का, जब ग्रह एक ही राशि में एक दूसरे के नजदीक बैठे रहते हैं तो उसको हम युति कहते हैं, हिंदी में युति या युक्ति भी बोलते हैं लोग, युति, इंग्लिश में कंजंक्शन, मतलब एक दूसरे से सट के बैठना, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। when planets are situated within a distance of 5 degrees of each other on either side, ठीक है, जैसे कोई कोई ग्रह 10 डिग्री में बैठा हुआ है और कोई ग्रह उससे 5 इधर बैठा हुआ है या 15 इधर बैठा हुआ है, तो युति होती है, तो एक दूसरे पर उनका असर होता है फल देने में। एक एक ग्रह दूसरे ग्रह जिसके साथ वो युति में कंजंक्शन में उसका फल दे सकता है एंड वाइस वर्सा, जितनी युति नजदीक होगी उतना एक दूसरे पर असर होता है। अगर दुष्ट ग्रह है तो वो अच्छे ग्रह को चौपट करता है, अच्छा ग्रह दुष्ट ग्रह को पर अपना फल कम देता है, दुष्ट ग्रह जो है अच्छे शुभ ग्रह को पर अपना जो है उसकी शुभता को ज्यादा खत्म करता है। देखिए, when planets are situated within 5 degrees of each other on either side, they are said to be in conjunction and have an impact on each other. Whether the impact is good or bad depends on the nature of the planets, which we shall study as we progress. अब ये देखिए, हम बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब शुरू हो रहा है। कंजंक्शन तो एक कॉन्सेप्ट था ही, जैसे एस्पेक्ट एक दूसरे का होता है, दृष्टियां एक दूसरे पर असर डालती हैं, उसी प्रकार से कंजंक्शन एक दूसरे के साथ होना वो उसका भी सिमिलर असर होता है। ठीक है,
अब देखिए अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस सिस्टमैटिक अप्रोच दैट वी आर सिस्टमैटिक अप्रोच वेरिएंट दैट वी आर स्टडिंग इन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हमारा सारा सिस्टमैटिक अप्रोच जो है इसी पर बेस्ड है. तो समझना होगा अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस क्या है. अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, अफ्लिक्शन का क्या मतलब होता है? बुरा असर. वो असर जैसे हम किसी बीमारी से अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, अफ्लिक्टेड बाय कोरोना, ठीक है, घातक, मतलब जिसको कितना अफ्लिक्टेड तो हो गए. अफ्लिक्शन की क्या जो है डिग्री है वो हम पढ़ेंगे आगे. अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, इसको ध्यान से सुनिए. व्हेन एवर अ प्लैनेट इज कंजंक्ट, यानी कि युति, व्हेन एवर अ प्लैनेट इज कंजंक्ट विद अनदर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, वो बेनिफिक हो चाहे अनदर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट के साथ, अगर वो किसी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट के साथ वो कंजंक्शन में आ जाता है, इट इज सेड टू बी afflicted by the functional malefic or evil planet. Evil मतलब खराब. Affliction is necessarily only done by functional malefic planets. A functional benefic planet will not afflict. It can get afflicted. एक दुष्ट ग्रह ही तो जो आपको बीमार कर सकते हैं, एक बीमारी ही तो आपको बीमार कर सकती है ना, तो उसको affliction कहते हैं. जो फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट होता है इंक्लूडिंग राहु एंड केतु, राहु केतु का थोड़ा अलग वो है, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट जो है वो दूसरे ग्रह के साथ अगर युति में है तो जिसके साथ युति में उसको वो अफ्लिक्ट करते हैं, यानी कि अपना बुरा असर उसके ऊपर डालते हैं. सिमिलरली व्हेनेवर अ मैलिफिक इविल प्लैनेट एस्पेक्ट्स अनदर प्लैनेट और हाउस, the aspected planet or house is said to be afflicted. युति में रहे या कोई functional malefic planet किसी को दृष्टि से देख रहा है या किसी भाव को दृष्टि से देख रहा है, not only planets, किसी भाव को भी दृष्टि से देख रहा है, तो वो जिसको देख रहा है वो afflict होता है, यानी कि उसके ऊपर वो अपनी बीमारी को फेंकता है. आप समझ जाइए affliction से, आप समझने के लिए समझिए कि बीमार, वीक कर देने वाला, कमजोर कर देने वाला, वो फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट ही कमजोर कर सकता है या दुष्टता अपनी ट्रांसफर कर सकता है, अपना इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है. अफ्लिक्शंस रेंडर द अफ्लिक्टेड प्लैनेट और हाउस वीक एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट और हाउस. ठीक है, एक फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट ए एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बी को देख रहा है तो फंक्शनल बेनिफिक बी को कमजोर कर देगा. अगर एक फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट सेकंड हाउस को दृष्टि से देख रहा है तो सेकंड हाउस को वो कमजोर कर देगा. व्हेनेवर अ प्लैनेट इज अफ्लिक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर अ प्लैनेट इज अफ्लिक्टेड इट्स मूल त्रिकोण साइन ऑटोमेटिकली बिकम्स वीक. इसका मतलब क्या हुआ समझिए आप. सपोज हम लिब्रा लग्न की बात कर रहे हैं, लिब्रा लग्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लिब्रा लग्न का लॉर्ड कौन है? तुला, वीनस. वीनस है. वीनस मे बी सिटिंग एनीवेयर इन द हॉरोस्कोप, इट मे बी sitting anywhere in the horoscope. It may be in the second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house. कहीं भी बैठा होगा. लेकिन अगर Venus को कोई functional malefic planet अगर afflict कर रहा है, either by conjunction or by aspect, तो Venus की मूल त्रिकोण राशि जो है, मूल त्रिकोण राशि, not the other राशि of Venus, Taurus. टॉरस अफ्लिक्ट नहीं होगा. मूल त्रिकोण राशि, जैसे अभी लग्न की हम बात कर रहे हैं, वीनस लग्न, लिब्रा लग्न की हमने बात की,
लग्न जो है वो वीक हो जाएगी, दैट ऑल्सो ऑटोमेटिकली बिकम्स अफ्लिक्टेड. वाई? बिकॉज उसका लॉर्ड वीक हो गया. जब किसी घर का लॉर्ड मालिक कमजोर हो जाएगा तो उस घर का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, उस घर का मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो घर भी कमजोर हो जाएगा. सिंपल लॉजिक है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में हम आपको समझा रहे हैं. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है. अब नाउ देखिए, ये और ये जो है ना, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वीक प्लैनेट्स क्या है, वीक प्लैनेट्स और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसको आप लोग, इसको टाइम लगता है, इसको दिमाग में बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है. वीक प्लैनेट्स तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कौन से प्लैनेट वीक, सबसे पहले आप वीक सर, प्लैनेट समझने के पहले समझ लीजिए कि इसका फंक्शनल मैलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक होने से मतलब कुछ नहीं है. फंक्शनल मैलिफिक भी वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और फंक्शनल बेनिफिक भी वीक हो सकता है, एंड वाइस वर्सा. फंक्शनल बेनिफिक वीक हो सकता है, फंक्शनल बेनिफिक स्ट्रॉन्ग, फंक्शनल मैलिफिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग होगा तो वो फायदे देता है, उसको हम देखेंगे. देखिए वीक प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या है, कुछ हैं डेफिनेशंस जिसके चलते एक प्लैनेट वीक हो जाता है. व्हेन डज अ प्लैनेट बिकम वीक इन एनी हॉरोस्कोप? अ प्लैनेट बिकम्स वीक ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल रीजंस एंड देन इज नॉट फुल्ली केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग और रियलाइजिंग इट्स जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन इन अ हॉरोस्कोप. अ प्लैनेट इज सेड टू बी वीक. अगर कोई ग्रह कमजोर हो गया ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, जो अभी हम रीजंस पढ़ेंगे, तो फिर क्या है उस हॉरोस्कोप में, देखिए हर एक प्लैनेट का जो है ना कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन होते हैं एक हॉरोस्कोप में, और एक कुछ वो जनरल सिग्निफिकेशन होते हैं. जैसे मैंने बताया वीनस का एक जनरल सिग्निफिकेशन है, इट इज द कारका फॉर मैरिज. तो वीनस अगर वीक हॉरोस्कोप में, और वीनस सपोज उस हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर है और वीक हो गया, तो सेकंड हाउस के जो सिग्निफिकेशन हैं, सेकंड हाउस के जो सिग्निफिकेशन है, जैसे वेल्थ है, स्टेटस है, ठीक है, नौकरी है, ये सब, वो घर कमजोर हो जाएगा. ये वीनस अपने दशा अंतर दशा में सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से नहीं दे पाएगा अगर वीनस कमजोर हो गया. और वीनस कहीं भी बैठा हो, वीनस का एक जनरल सिग्निफिकेशन, ये पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन हुआ हमने जो बताया सेकंड हाउस, सिंस इट इज द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, लॉर्ड मतलब उसकी मूल त्रिकोण राशि वहां बैठी होनी चाहिए. और वीनस का जनरल सिग्निफिकेशन क्या है? वीनस का जनरल सिग्निफिकेशन है कि वो शादी करवाता है, तो वीक हो गया तो शादी को इम्पैक्ट करेगा, या शादी डिले होगी, या अच्छी शादी नहीं होगी, या शादी नहीं होगी, ये भी हो सकता है. और भी वीनस के जनरल सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे वीनस की एक प्रवृत्ति होती है, आप यू नो आपको, हाँ, आपके आपके लुक्स जो हैं, यू नो हाउ योर पर्सनैलिटी इज, हाउ योर अपियरेंस इज, वीनस उसका कारक होता है. तो वीनस अगर कमजोर हो गया, डिपेंड करता है कितना कमजोर हुआ, तो पर्सनैलिटी आपकी जो है, एटलीस्ट योर अपियरेंस विल बी इम्पैक्टेड. ठीक है, तो एक ग्रह कब कमजोर होता है, एक ग्रह कब कमजोर, देखिए आप लोग कृष्णमूर्ति पद्धति वाले थोड़ा सा अभी कृष्णमूर्ति पद्धति को ताक पे रख देंगे. ओके, लीव इट ऑन द शेल्फ, कोल्ड स्टोरेज में डाल दीजिए थोड़ी देर तक के लिए, और उसके बारे में मत सोचिएगा जब तक ये पढ़ रहे हैं, बाद में हम उसको देखेंगे. अ प्लैनेट बिकम्स वीक ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल रीजंस एंड देन इज नॉट फुल्ली केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग और रियलाइजिंग इट्स जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस इन अ हॉरोस्कोप. अ प्लैनेट इज सेड टू बी वीक व्हेन, नंबर वन, इट इज कॉम्बस्ट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन. अभी हमने पढ़ा अस्त होने से प्लैनेट कमजोर होता है. It occupies malefic houses from the ascendant. It occupies malefic houses from the ascendant, 6th, 8th or 12th. अगर वो 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है तो वो कमजोर माना जाएगा. कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में अगर बैठ गया तो वो कमजोर माना,
उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है एक्सेप्ट व्हेन इट इज इन इट्स मूल त्रिकोण राशि। अगर उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि 6, 8 और 12 में है और उनमें से किसी में बैठा है तब फिर ऑन दैट अकाउंट कि वो 6, 8 या 12 में बैठा है वो कमजोर नहीं माना जाएगा। इट इज इन इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन, वो अगर नीच का है। इट इज इन द स्टेट ऑफ इन्फेंसी और एडवांस्ड एज, वही 5 डिग्री और 25 डिग्री। इट ऑक्यूपाइज इट्स डेबिलिटेशन साइन द नवांश, नवांश का कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, अगर वो अपने नवांश में डेबिलिटेशन में चला जाता है। इट इज क्लोजली कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाई अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट, यानी कि वो अफ्लिक्टेड हो किसी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट द्वारा। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट इज अफ्लिक्टेड बाई अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट और कंजंक्शन, इसको समझेंगे हम लोग। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट इज अफ्लिक्टेड बाई अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट और कंजंक्शन, ये इसको छोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे समझते हैं इसको। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइन इज अफ्लिक्टेड बाई अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट। चलिए हम समझ ही लेते हैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट किसको बोलते हैं। अच्छा अभी आएंगे एक एग्जाम्पल के साथ आएंगे उसमें, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव, देखिए आपने देखा होगा अभी जो हमने पढ़ा है, हमने कहा था लग्न हमारी जो है, हम पैदा जब होते हैं तो हमारी लग्न इट राइजेज एट अ सर्टेन डिग्री। सपोज आई एम बोर्न यू नो इन टॉरस, और जब मैं पैदा हुआ तो 6 degrees टॉरस राइज कर रहा था। When on the eastern horizon, Taurus, वृषभ राशि 6 degree की जब हुई थी तब मेरी पैदाइश हुई। तो ये 6 degree जो है ना, ये हमारा मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट हो गया लग्न का और हरेक भाव का। हरेक भाव हमारे 1 से 12 की 6 degree जो मानी जाएगी वो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट माना जाएगा। सो क्या कह रहे हैं हम लोग, a planet becomes weak when it's when the most effective point of its house of placement is afflicted by a functional malefic planet's aspect of conjunction. Suppose 6 degree hai aur most effective point hai, aur koi grah kisi bhi bhav mein baitha hua hai, maan lijiye wo 10th bhav mein baitha hua hai 12 degree ya 15 degree par, lekin wo 10th bhav ke upar agar 6 degree तक किसी फंक्शनल मैलिफिक की दृष्टि है या कंजंक्शन है तो वो भाव कमजोर हो गया। तो भाव कमजोर अगर हो गया तो उस भाव के अंदर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा रहेगा तो वो कमजोर हो जाएगा थोड़ा। नंबर 8, रुक जाइए, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, अभी आएंगे एग्जांपल भी आएंगे, द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइन, ये अभी हम एक बात कर चुके थे, अभी दूसरे तरीके से समझिए। अभी हमने क्या बात किया था, वीनस कहीं बैठा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है, और वीनस अगर जो है कि ऊपर किसी फंक्शनल मैलिफिक का एस्पेक्ट या कंजंक्शन है तो लग्न जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो कमजोर हो जाएगी। अभी उसको पलट के द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइड, इस केस में वीनस कहीं बैठा है और ठीक ठाक है, वीनस के ऊपर किसी की खराब दृष्टि नहीं है, लेकिन उसके मूल त्रिकोण राशि पर अगर किसी के खराब दृष्टि या कंजंक्शन है तो वीनस कमजोर हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइन इज अफ्लिक्टेड बाय अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट। नंबर 9, इट इज कंजंक्ट और एस्पेक्टेड क्लोजली बाय राहु एंड केतु। राहु एंड केतु ऑफ found to be malefic in the horoscope. When Rahu and Ketu are found to be malefic in the horoscope, ये बहुत controversial है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। Rahu and Ketu generally systematic approach में malefic मान के चलते हैं, but in practice it is not always so. Okay, एक ये है, इसको ज्यादा seriously मत लीजिएगा। Moon when it is within a distance of 72 degrees from the sun. सन के आसपास मून अगर है तो अस्त होने के अलावा भी जितना नजदीक सन के उतना मून जो है कमजोर माना जाता है, ठीक है। अमावस्या का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अमावस्या का है और पूर्णिमा का है, तो अमावस्या में वो सन मून एक साथ रहते हैं तो
मून को बहुत ही कमजोर माना जाता है। हाउएवर दिस इज नॉट अ बिग वीकनेस, मतलब 72 डिग्रीज तक अगर है, ये सिस्टम्स अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट था तो हमने लिख दिया, लेकिन इतना डोंट टेक इट सीरियसली, छोड़ देते हैं इसको, पढ़ते भी नहीं है। इफ इट्स डिस्पोजिटर इज वीक, नो प्लैनेट कैन बी स्ट्रॉन्गर देन इट्स डिस्पोजिटर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिस्पोजिटर कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, अभी बिना डायग्राम के मैं समझाऊंगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इफ इट्स डिस्पोजिटर इज वीक, नो प्लैनेट कैन बी, इफ इट्स अ प्लैनेट इज वीक, इफ इट्स डिस्पोजिटर इज वीक, व्हाट इज द डिस्पोजिटर, उसको हम लोग अभी समझ लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स पे आते हैं, ये आप लोगों को देखिए याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर गो, वीक प्लैनेट्स यू हैव टू, समझ जाएंगे धीरे धीरे, याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स क्या है? अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ इट्स जनरल एंड पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस। जनरल सिग्निफिकेशन आपने बताया, उस हॉरोस्कोप में हाउस किस हाउस का सिग्निफिकेशन है वो उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन है, और जनरल सिग्निफिकेशन जैसे हमने बताया वीनस की शादी का होता है, सन का जनरल सिग्निफिकेशन होता है, सन यू नो सन आपका ओवरऑल हेल्थ का, विगर वाइटैलिटी का जो है वो कारक है, आपके पिताजी का ये देख रेख करता है, वो गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है वो सब देखता है, तो ये जनरल सिग्निफिकेशन होते हैं। जनरल सिग्निफिकेशन फॉर ऑल प्लैनेट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इज, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, व्हेन इट्स लॉन्गिट्यूड इज बिटवीन 10 एंड 20 डिग्रीज, वो हमने देखा 5 डिग्रीज तक वीक माना, 25 डिग्रीज से बहुत कमजोर मांगा, बट स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं 10 और 20 डिग्रीज के बीच में। कोई प्लैनेट जब 10 और 20 डिग्रीज के बीच में, then it is in its full strength, then number 2 it occupies its own or good navamsa and is well placed in divisional charts hum padhenge baad mein, it is under the close influence of strong functional benefic planets either by conjunction or aspect, jaise functional malefic planet affect karte hain usi prakar se functional benefic planets jo hain wo apna acha prabhav dalte hain, to kisi प्लैनेट को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने प्रभाव डाला। इट ऑक्यूपाइज इट्स एग्जॉल्टेशन, उच्च के जब होते हैं मूल त्रिकोण राशि और ओन साइन, इट इज क्लोज टू द एमईपी ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई भी प्लैनेट एमईपी ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट पर अगर होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है, उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मोस्ट इफेक्टिव, ये देखिए आ ही गया, मैं सोच रहा था शायद इसमें नहीं होगा। मोस्ट इफेक्टिव एमईपी ऑफ अ हाउस, एमईपी याद रखिएगा, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, हेंस फोर्थ इट विल बी रेफर्ड टू एज एमईपी ओनली। द राइजिंग डिग्री ऑफ द असेंडेंट इन एनी हॉरोस्कोप इज ट्रीटेड एज द एमईपी फॉर ऑल द हाउसेस इन द हॉरोस्कोप। For example, suppose the ascendant in a horoscope is Libra and the rising degree is 17 degrees and 6 minutes. This means that MEP of all the remaining 11 houses will be 17 degrees and 6 minutes. This is a very important concept in the systematic approach that we are studying. Any planet which is near the MEP or aspects the MEP within a degree, within a distance of 5 degrees, on either side of the MEP would be impacting the house. If the conjunct or the aspecting planet is a benefic, the impact is good, and if it is a malefic, the impact is bad or negative. So ye definitions hain hamare strong or weak planets ke, isko aapko sir ye strong planet point, strong planet wala ye last wala something consider kar, kaun sa wala सर? स्ट्रॉन्ग प्लैनेट में जो लास्ट वाला बताया था, डिस्पोजिटर वाला नहीं सर, एमईपी, एमईपी नहीं नहीं ये एमईपी, ये एमईपी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट से मतलब नहीं है, एमईपी इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सर हाउस, इसमें लिखा इट्स क्लोज टू एमईपी ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट। इफ इट इज, देखिए एमईपी के नजदीक कोई भी फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट अगर एमईपी को देखेगा या उसके पास होगा, so that house becomes strong,
ठीक है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस होता है। और मतलब सर हाँ जैसे दसवें भाव सिक्स डिग्री पे है, मान लो वो एमईपी पे है, और सिक्स डिग्री के आसपास ही कोई प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, तो वो अच्छा फल देगा दसवें भाव के कहाँ, लिए। हाँ अगर दसवें में है ना, यस सर, हाँ अच्छा फल देगा। और अगर कोई खराब है तो तो अच्छा फिर फल वो नहीं देगा, फिर उसको एमईपी। डिस्ट्रॉय करेगा उस हाउस को। यस एमईपी का ये मतलब है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक प्लैनेट्स का, और एमईपी के डेफिनेशंस हैं ये। इसी पर सारा हमारा सिस्टम अप्रोच सारा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को याद करना होगा। अरे सर एक क्वेरी है सर। सर मान लीजिए कोई कोई भी हाउस 15 डिग्री एमईपी पे है, और उस हाउस में मान लीजिए दो स्टार, एक 5 डिग्री है और एक 23 डिग्री है, तो ये हाउस को इफेक्ट के दोनों ही नहीं करेंगे। नहीं करें, नहीं करें। अच्छा 5 डिग्री के क्लोज में रहेंगे हाउस की डिग्री के, तो ही उसको इफेक्ट करेंगे। तभी उसको इफेक्ट करें। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। फाइव डिग्रीज इज अ जनरल थिंग, ओके। जी वो सर, इसमें एक्चुअल इट इज कॉल्ड द ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस। जनरली ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस 5 डिग्रीज हम लोग इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि एट टाइम्स देखिए टाइम ऑफ बर्थ की सर्टेनिटी उतनी नहीं होती है कई बार। तो टाइम ऑफ बर्थ की सर्टेनिटी अगर नहीं है तो यू नो कि एवरी 4 मिनट्स यू नो 1 डिग्री ऑफ लग्ना माइट चेंज, ओके। सो इफ द यू नो इफ द टाइम इज ऑफ बाय से अबाउट 10-15 मिनट्स तो लगना में 4-5 डिग्री का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 5 एक्चुअल ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस 2 डिग्री 1 डिग्री है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक हम जनरल मान के चलते हैं कि 5 डिग्रीज तक इम्पैक्ट उसका जो है 5 डिग्रीज तक है, उतना हम उसको स्ट्रिक्टली नहीं मानते हैं। जितना द क्लोजर द इम्पैक्ट द क्लोजर द सॉरी द क्लोजर द नियरर द डिस्टेंस between the MEP and a planet or aspect, the more the impact, bad or good, ठीक है? Suppose एकदम exact conjunction है, 5 degrees MEP है मान लीजिए horoscope का, और कोई planet एकदम 5 degrees पर किसी भाव में बैठा है, अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा कर देगा उस भाव को, अगर वो खराब है तो उस भाव को एकदम खराब कर देगा, चौपट कर देगा। That's what is meant. रैप्ड कंजंक्शन जिसको बोला जाता है, ओके। तो ठीक है, एनीवे आई नो एक दिन में तो थोड़ा सा वो होता है, बट एज वी गो अलोंग यू नो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, तो फिर आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा। उस समय नहीं समझ में आएगा तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी, और फिर हम लोग उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। ओके नाउ वेयर आर वी, ये देखिए एक है, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, खुल जाएगा तो बताइएगा। खुल गया। अभी देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं प्रेडिक्टिव टेक्निक्स। अब ये प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हमारा शुरू हो रहा है, दिस इज वेयर यू नो कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 गो स्लो। Don't try and understand everything एक दिन में, and don't get ahead of the class, ठीक है? Predictive techniques - assessing strength of planets in a horoscope, page 1। ये देखिए एक हमने चार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पर खाली इसमें असेंडेंट की डिग्री को लिखते हैं, ठीक है। असेंडेंट की डिग्री कितनी लिखी है ये 5.54, ठीक है। एंड देन दिस इज द एमईपी ऑफ दिस हॉरोस्कोप, सो फॉर एवरी हाउस 5.54 डिग्रीज इज द एमईपी, ओके। एंड ये प्लैनेट्स जो हैं ये इनकी डिग्रीज लिखी है, दैट मींस दीज प्लैनेट्स
ये प्लैनेट्स इस भाव में इतने डिग्री पर बैठे हुए हैं। जुपिटर 5.59 में बैठा है, मार्स 10.23 में बैठा है, केतु 14.36 में बैठा है, सैटर्न 29.44 में बैठा है, राहु 14.36 में बैठा है, मून 29.25 में बैठा है, वीनस 22.35 में बैठा है, मरकरी 4.56 में बैठा है, सन 21 डिग्री में बैठा है और एमईपी हमारा 5.54 डिग्रीज है फॉर ऑल हाउसेस। तो इसी पर सारा बेस्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस, सारा इसी पर हमको इसी से समझना है। नंबर वन, असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इन अ हॉरोस्कोप। नंबर वन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। फंक्शनल मैलेफिक का हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिया है, ठीक है। दिस इज अ टॉरस हॉरोस्कोप, असेंडेंट हॉरोस्कोप, सो द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स आर वीनस, जुपिटर, मार्स, राहु एंड केतु। जो वीनस, जुपिटर, मार्स, ओके, राहु एंड केतु आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, सो कैनॉट बी आउटराइटली क्लासिफाइड एज फंक्शनल मैलेफिक। व्हाई? बिकॉज दे आर इन द नाइन्थ हाउस एंड द थर्ड हाउस विच आर गुड हाउसेस, सो आउटराइट हम इसको फंक्शनल मैलेफिक नहीं करेंगे। राहु एंड केतु हम स्लोली वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो स्टेप वाइज क्या है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स का हमको एक लिस्ट बना लेना है। वो मालूम है हमको, वीनस, जुपिटर एंड मार्स आर द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स। आइडेंटिफाई द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, ऑल अदर प्लैनेट्स आर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, ऑल अदर प्लैनेट्स। नंबर थ्री, स्टेप थ्री, असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ प्लैनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस ऑलरेडी टॉट इन द प्रीवियस लेसन। हाउ टू गो अबाउट इट नाउ? नाउ देखिए, देखिए प्लीज, ये रिमेंबर दिस, ये पहले आप इसको माइंड में अपने इम्प्रिंट कर लीजिए। जस्ट इम्प्रिंट दिस particular sentence in your mind. Please remember that a functional malefic planet can also give good results of its general and particular significations if it is in strength. It need not give only bad results as the term malefic suggests. Functional malefic planet अगर स्ट्रॉन्ग है, एज पर द डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाउसेस दैट वी स्टडीड, दैट यू नीड टू, यू नो, उसको याद करना है आपको। यू नीड टू नॉट मेमोराइज ओनली, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। सो प्लीज रिमेंबर दैट अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कैन ऑल्सो गिव गुड रिजल्ट्स ऑफ इट्स जनरल एंड पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस इफ इन स्ट्रेंथ। If it need not give only bad results, as the term malefic suggests, the term malefic मतलब evil, dusht suggest करता है कि functional malefic planet है, so it need not give only bad results. Okay, now judgment of strength of individual planets, कैसे करना है हमको judgment of strength of individual planets in any horoscope? देखिए, number one, Venus. अभी वीनस क्या है फॉर अ टॉरस नेटिविटी? इज इट अ मैलेफिक? इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक। ओके, जजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्लैनेट्स, आई हैव टेकन वीनस नंबर वन सबसे पहले टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। वीनस, इट इज एग्जॉल्टेड, इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट बट इट इज एग्जॉल्टेड। ओके, व्हाई इज इट एग्जॉल्टेड? बिकॉज इट इज सिटिंग इन पाइसिस। ये आपको याद करना होगा, उच्च का है, ये उच्च का है क्योंकि ये पाइसीज में बैठा है। सिटिंग इन द 11th हाउस व्हिच हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस, इट इज एग्जॉल्टेड एंड सिटिंग इन द 11th हाउस व्हिच हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक और ऑस्पिशियस हाउसेस, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे। ओके, इट इज नॉट क्लोजली एस्पेक्टेड और कंजंक्ट with any other functional malefic planet. It is not aspected or conjunct with any other functional malefic planet. Aap log just have a look at this chart. We will pause. Aap dekhiye, Venus ke upar kisi bhi planet ka koi drishti hai? Dekhiye. Aur agar hai bhi to kya wo
वीनस डिग्री, वीनस के डिग्री से कितना दूर का दृष्टि है, एनीवे वो हम देख लेंगे, नहीं है। ओके सैटर्न, हाँ क्या बोल रहे हैं, सैटर्न, सैटर्न का है, बट इसी से डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री बहुत है, नहीं है, अनअफ्लिक्टेड है वीनस, ज्यादा का फर्क 8 डिग्री से ज्यादा है ना, तो इसीलिए इट इज नॉट अफ्लिक्टेड। नाउ यू हैव टू स्पीक एज पर द टेक्निकल टर्म्स, इट इज नॉट अफ्लिक्टेड, सो इट इज नॉट क्लोजली एस्पेक्टेड और कंजंक्ट विद एनी अदर फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट, नाइदर इज इट कंजंक्ट नॉर एस्पेक्टिंग एनी प्लैनेट और हाउस क्लोजली। देखिए दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन, एनी प्लैनेट, एनी फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट, इफ इट इज इवन इफ इट इज नॉट ओनली बींग एस्पेक्टेड, इवन इफ इट इज एस्पेक्टिंग एनी अदर प्लैनेट और हाउस within 5 degrees, then it becomes a weak planet, even either it is aspected or it is aspecting. So Venus is neither aspected by any other planet, nor is it aspecting any other planet or house with an orb of within 5 degrees. Venus kisko aspect kar raha hai yahan par? 7th house ko aspect kar raha hai. MEP kitna hai hamara? MEP kitna hai? 5.54. तो इसीलिए सेवेंथ हाउस को, ये सॉरी फिफ्थ हाउस को नहीं एस्पेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है लेकिन ऑब से बहुत दूर है ना। सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, 7 डिग्रीज का फासला है। सो वीनस इज नाइदर अफ्लिक्टेड नॉर अफ्लिक्टिंग, सो वीनस क्वालिफाइज टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, ऑल्दो इट इज अ फंक्शनल मैलिफिक। अभी हम क्यों बोलते हैं इसको फंक्शनल मैलिफिक, इसका क्या मतलब है कि वीनस या खाली हमको अच्छा रिजल्ट देगा? यस, वीनस हमको अपने दशा अंतर दशा में अपना जनरल सिग्निफिकेशन। एंड अनदर थिंग, वीनस का मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, देखिए छठवें भाव में है। छठवां भाव देखिए, किसी फंक्शनल मैलिफिक से अफ्लिक्ट हो रहा है क्या? विच आर द अदर फंक्शनल मैलिफिक्स हियर? जुपिटर एंड मार्स। छठवा भाव जुपिटर या मार्स से अफ्लिक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स द मूल त्रिकोण राशि ऑफ वीनस इज ऑल्सो नॉट अफ्लिक्टेड, सो वीनस हैज 100% स्ट्रेंथ। वो क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम, उसमें आई हैव टेकन द सेम हॉरोस्कोप। ओके, so Venus is a very strong planet in this horoscope, in fact it is the strongest. So Venus hame, Venus ke jo particular significations hain, Venus ka particular significations in horoscope mein kya hai, ek to 6th house ka signification hai. 6th house se kya kya hum dekhte hain? Financial status dekhte hain, kharabi mein kya dekhte hain? Disease dekhte hain. To Venus hame protection dega, सिक्स्थ हाउस रिलेटेड। और वीनस की जनरल जो है सिग्निफिकेशंस क्या है, एक तो शादी है, वीनस एग्जॉल्टेड है, बहुत स्ट्रांग है, जल्दी शादी देगा, बिना अड़चन के शादी देगा। yes, sir. ठीक है, ऑल दैट वीनस इज गोइंग टू लुक आफ्टर। वीनस जनरली एग्जॉल्टेड वीनस विल गिव यू अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ऑल दैट दिस पर्सन हैज एंजॉयड इन हिज लाइफ। ओके, Venus being a functional malefic, why is it called a functional malefic? Had it been weak, to apna phir ye protection nahi deta, ye aadmi bahut bimar padta, phir ye exalted nahi hota, ya exalted hone ke baad bhi afflicted hota, to phir wo luxuries nahi deta, 11th house se gains nahi deta, aur general significations ko nahi protect karta, but yahan strong hai, to it has given all this. Yes, Venus as a functional malefic, understand please, जब ये अपने ट्रांजिट में रहेगा, आई टोल्ड यू नो कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, दे कीप मूविंग नो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं ना जोडियक में। अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ इन ट्रांजिट, ये वीनस जब भी ट्रांजिट में जब एमईपी पर आएगा, एक्सेप्ट इन इट्स ओन मूल त्रिकोण राशि, जब भी, इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इसीलिए बहुत लॉन्ग ड्रॉन जो है ना
बैड इवेंट्स नहीं देगा। ये जब फंक्शन ये एमईपी पर आएगा या किसी और प्लैनेट के साथ टकराएगा, सिंस इट्स अ फंक्शनल मैनिफोल्ड, तो इट इज गोइंग टू गिव बैड रिजल्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम। जब तक जैसे मान लीजिए कि किसी दूसरे फंक्शनल मैनिफोल्ड से जुपिटर से टकरा गया, कहीं जुपिटर से टकरा गया, तो एक आध महीना ये जुपिटर के इर्द गिर्द रहेगा। तो उस एक महीने में डिपेंडिंग ऑन जुपिटर के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, वीनस के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, ट्रांजिट में वो कहां पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो जुपिटर हमें कुछ दिन के लिए दुखी करेगा, एक डेढ़ महीने के लिए, 15-20। व्हेन इट स्टार्ट सेपरेटिंग, वो भी जब 5 डिग्री के फासले तक ही वो परेशान करेगा, फिर चूंकि बोथ आर मूविंग, व्हेन दे बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, या एमईपी पर जैसे जुपिटर वीनस मान लीजिए यहां आ गया, असेंडेंट में आ गया, जब 5 डिग्री 54 मिनट्स में जुपिटर पहुंचेगा, आप देखिएगा जब तक 5 डिग्री के आसपास रहेगा, आप अपना गोचर को वॉच कीजिएगा, योर ट्रांजिट, देयर बी सम प्रॉब्लम, बट उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जुपिटर वीनस इज नॉट अ वीक प्लैनेट, इट हैज बिकम स्ट्रॉन्ग। तो यू हैव टू ट्रीट एनी हॉरोस्कोप नेवर इन आइसोलेशन, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द आइसोलेशन, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द, आप प्लैनेट को देखेंगे और वो किस कितनी तरह की तकलीफ देगा वो देखेंगे। नाउ सपोज वीनस, हाइपोथेटिकली वीनस सपोज इस हॉरोस्कोप में मान लीजिए 8th हाउस में बैठा रहता, वीक हो जाए, बहुत वीक, फंक्शनल मैलिफिक है, 8th हाउस इज द मोस्ट मैलिफिक हाउस इन द हॉरोस्कोप, इसके एमईपी पर बैठा रहता, और किसी से ये जो है मान लीजिए किसी और फंक्शनल मैलिफिक द्वारा ये कंजंक्ट होता या एस्पेक्टेड होता, देन इट वुड हैव प्लेड हैवक इन दिस पर्सन्स लाइफ। ठीक है, देर आर एक्सेप्शंस, यू विल कम अक्रॉस हॉरोस्कोप्स जो कि थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, दैट इज वेयर केपी कम्स इन, बट हम उसमें बाद में पहुंचेंगे। वो हैं कुछ ऐसे हॉरोस्कोप्स हैं जिसमें कि ये 90% हॉरोस्कोप्स में ये टेनेट्स और प्रिंसिपल्स ठीक बैठते हैं, कुछ हॉरोस्कोप्स में दे आर डाइसी, एनीवे वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट जनरली 90-95% हॉरोस्कोप में दिस इज ये बिल्कुल सही निकलता है। ये हॉरोस्कोप हम स्टडी करते जाएंगे, जब हम क्वांटिफिकेशन देखेंगे, इस हॉरोस्कोप को स्टडी भी करेंगे, इस आदमी का क्या क्या इवेंट्स हुए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एनीवे ये समझ गए आप लोग, प्लीज रिमेम्बर दैट अ फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट कैन ऑल्सो गिव गुड रिजल्ट्स of its general and particular signification if in strength, like it is here. It need not give only bad results as the term malefic suggests. Judgment of strength of individual planets, Venus हमने देख लिया. Overall strength of Venus, Venus के बारे बात कर रहे हैं, is strong. Therefore, during its dasha periods, it will give protective and positive results of its general and particular significations. This is such a horoscope that इस आदमी की जिंदगी में, this is not a very good horoscope by the way, okay, अभी हम page 2 में और पढ़ देखेंगे इस horoscope को, इस I know this person very closely, इस आदमी की जिंदगी में whatever has happened, positive has happened in his life, whatever, his job, his marriage. Marriage is not such a big event. It's a normal event in anybody's life. ठीक है? Denial of marriage अलग चीज होती है. His job, his promotions, his good periods, you know, his financial stability. Everything has happened when Venus, antardasha, pratyantardasha, even sukshma dasha was running. Everything. You will, इस तरह के horoscope से nobody can, you know, you cannot be skeptical about astrology at all. मैं दिखाऊंगा आपको when we study this horoscope. ठीक है, note that Venus is an FMP, yet we are saying it will be protective. We are saying it will be protective. ठीक है, ये page number 1 हो गया. We will study about the other planets in the next page. तो ये एक एक planet को हमने लिया.
we started off with a functional malefic planet just to prove the point ke functional malefic planet need not give only malefic ya bad results. Functional malefic planet strong results bhi de sakte hain. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, टाइम भी बहुत हो गया है. ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. देखिए यही ये कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. ये इस तरह के कुछ क्लासेस हैं जो कि थोड़े लंबे हो सकते हैं सर. हाँ, फॉर सपोज स्कॉर्पियो असेंडेंट फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट विल बी वीनस, और यदि वो अस्त हो जाता है सर सन के साथ तो कैसे रिजल्ट देगा सर? तो अच्छा नहीं देगा ना. अच्छा नहीं देगा. अब देखिए, डोंट डिस्कस इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नाउ. ठीक है, वो आप हमसे अलग से डिस्कस कर लीजिएगा. मैं समझ रहा हूँ आपका होगा या आपके किसी का होगा. अभी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हम नहीं डिस्कस करेंगे. सामने आ रहा है, हाँ वो हम कर लेंगे डिस्कस. आई नो वो क्यूरियोसिटी सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप को लेकर के आती है. बहुत सारी बातें होती है, मेनी एक्सेप्शंस आर देयर. आफ्टर ऑल आई टोल्ड यू इट इज स्टिल नॉट अ कंप्लीट साइंस. अभी प्लूटो है, यूरेनस है, नेपट्यून है, हम लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं ना. उनका भी इम्पैक्ट तो होता है. कृष्णमूर्ति जी ने शुरू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए बेचारे, वो दुनिया से चले गए उसके पहले. चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं. देखिए सेम उसका पेज टू है, खुल जाएगा तो बताइएगा. खुल गया? Yes, sir. Okay. देखिए फंक्शनल असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स पेज टू. देखिए वॉच माय कर्सर, सेम हॉरोस्कोप है. फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स इवन व्हेन स्ट्रॉन्ग विल हाउएवर एडवर्सली इंपैक्ट अदर हाउसेस एक्सेप्ट इट्स ओन मूल त्रिकोण राशि एंड प्लैनेट्स इन ट्रांजिट. ये हमने आपको बता दिया. और बाय एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एमईपीज ऑफ अदर हाउसेस और अदर प्लैनेट्स. ये हमने आपको बता दिया कि वीनस इसमें कितना भी स्ट्रांग हो वो जब ट्रांजिट में रहेगा तो ट्रांजिट में एस्पेक्ट से और कंजंक्शन से हाउस को भी खराब करेगा, जिस प्लैनेट के साथ आएगा उसको भी खराब करेगा, और किसी फंक्शनल मैलिफिक के साथ आ गया तो और भी खराबी करेगा. ठीक है, किसी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट के साथ एट्थ हाउस में अगर वो आ गया, मान लीजिए एट्थ हाउस में अगर वो अगर आ जाता है मार्स के साथ, ठीक है, ट्वेल्थ हाउस का स्वामी मार्स है रिकवरी हो जाएगा, दैट इज समथिंग एल्स, बट वो खराबी करेगा. वीनस स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो होते हैं जब वो फंक्शनल मैलिफिक बनते हैं ना, देन लाइज द रियल प्रॉब्लम. लाइक कैंसर में जो है कैंसर असेंडेंट्स के लिए 10 जुपिटर एंड सैटर्न बोथ आर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स एंड व्हेन दे बिकम वीक दे क्रिएट रियल हैवक व्हेन दे बिकम वीक एंड दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सन इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट. ओके, हियर बीइंग द Lord of fourth house. Okay, Sun is the most benefic planet as it is the Lord of the fourth house where its Mool Trikon Rashi lies. अब आप लोग समझना शुरू कीजिए. It is placed in the 12th house. Weak placement है. 12th house weak placement है, which weakens it. But it is exalted. Sun Aries में exalted होता है. But it is exalted. It is so gain some strength. It is away from the MEP of the 12th house. Its Mool Trikon Rashi is, however, aspected by Mars, which somewhat weakens it. Dekhiye, Sun, most benefic planet hai. It has gone to the 12th house. 12th house mein weak ho jata hai koi bhi planet ho. Theek hai, koi bhi planet ho weak ho jata hai. And
but it is exalted, so it gains some strength, but since it is in the 12th house, it is sort of neutralized ho jata hai, wo jo strength gain karta hai. Plus iska jo 4th house hai na, iska MEP 4th house, it is a wide aspect. Mars functional malefic, ye 4th aspect se sun ke mool trikon rashi ko dekh raha hai. सन के मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, तो मूल त्रिकोण राशि इसकी थोड़ी सी कमजोर होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज सन 10 डिग्री पर है और मूल त्रिकोण 6 डिग्री पर, तो 4 डिग्री इसका एस्पेक्ट है, सो इट समवॉट वीकेंड्स इट. सो सन वी कैन से इज ओवरऑल मीडियम स्ट्रेंथ का है. सो सन के जो सिग्निफिकेशन है वो कुछ डिस्टर्ब होंगे, कुछ ठीक होंगे, पूरा असर सन नहीं दे पाएगा. जैसे क्या है, सन चूंकि 12th हाउस में चला गया और ये 4th हाउस जो है एसेट्स का घर होता है, ये रियल एस्टेट का घर होता है, तो ये एजुकेशन, हाँ एजुकेशन का घर होता है, बट सन एट द सेम टाइम एग्जॉल्टेड है, तो इनको मिला सब कुछ, बट क्या हुआ, मकान भी हुआ इनका, अपने नाम से नहीं हो पाया, इनको अपने पिताजी के नाम से मकान जो है बनवाना पड़ा, अपने नाम से नहीं हो पाया. ठीक है, क्यों? क्योंकि सन 12वें भाव में चला गया, एक्सपेंडिचर लॉस सेपरेशन, बट एग्जॉल्टेड है तो दे दिया, मकान तो दे दिया लेकिन पिताजी के नाम से हुआ. सन एग्जॉल्टेड होके 12वें भाव में चला गया तो ही गॉट इन टू अ पब्लिक सेक्टर, दैट इज नॉट 100% सन गवर्नमेंट का भी कारक है. एग्जॉल्टेड है तो इनको जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ले गया, मतलब सेमी गवर्नमेंट में ले गया. तो इस तरीके से हम देखते हैं. और सन जो है, सन इज मिडलिंग स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, और भी है, क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ में आएंगे तो हम देखेंगे, जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ यू नो हाउ. हालांकि सन ना इन्फेंसी में भी नहीं है ना ओल्ड एज में है, तो वो सब स्ट्रेंथ सन की पूरी है, बट सिंस इट हैज गॉन टू द 12th हाउस इट बिकम्स वीक एंड इट्स मूल त्रिकोण राशि इज समवॉट वीकेंड बाय द एस्पेक्ट ऑफ मार्स, सो समवॉट ओके. मर्करी, इट इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बट इन इन्फेंसी, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री, सिटिंग इन द 12th हाउस, सो अगेन वीक, हेंस वीक. इट इज फर्दर वीकेंड as its mool trikon rashi Virgo in the 5th house. Dekhiye, Virgo in the 5th house is under the exact malefic aspect of the most malefic planet Jupiter. Most malefic planet Jupiter kyon hai bataiye? Lord of Earth. Aur uska exact aspect hai 5th house ke MEP par. 5th ke एग्जैक्ट एस्पेक्ट है. ठीक है, एग्जैक्ट एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर. हेंस वीक, हाँ हेंस वीक. इट इज फर्दर वीकेंड एज इट्स मूल त्रिकोण राशि वर्गो इन द 5th हाउस इज अंडर एग्जैक्ट मैलिफिक एस्पेक्ट ऑफ मर्करी, सो ओवरऑल वेरी वीक टू प्रोटेक्ट इट्स सिग्निफिकेशन. मर्करी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इट्स जनरल एंड पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन. लाइक वॉट पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन? 6th हाउस से क्या देखते हैं? स्पेकुलेशन देखते हैं, चिल्ड्रन देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो सब सो मेनी थिंग्स जो भी है. सिंस यू नो इट 6th हाउस इज वेरी वीकेंड बाय द एस्पेक्ट ऑफ द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट एंड इट्स लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, तो 5th हाउस का सुख इस आदमी को बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया. मिसफॉर्च्यून विद चिल्ड्रन, you know, he has been unlucky with his children, etc., etc. So problems बहुत सारे रहे. ठीक है, तो ये मर्करी ये 5th हाउस के वीक हो गया. सेकंड हाउस का भी ऐसे ही सिग्निफिकेशन देगा सर? आ रहे हैं. सेकंड हाउस नॉन मूल त्रिकोण हाउस है, नॉन मूल त्रिकोण हाउस का स्टेटस अलग है. ठीक है, हाँ सेकंड हाउस का भी वीक होगा, सेकंड हाउस का भी वीक होगा, बट नॉन मूल त्रिकोण हाउसेस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. हाँ सेकंड हाउस भी वीक होगा, ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं. चलिए जुपिटर अब आते हैं. इट इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट. देखिए नाउ लुक, एक
लाइक आप लोगों ने केपी पढ़ा होगा, प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेदर इट इज अ फंक्शन मेल्फिक. जैसे भी ये प्लेसमेंट यहाँ हम लोगों ने बोला था 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस. वीनस इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ प्लेस. जुपिटर इट इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट सिटिंग एग्जैक्टली ऑन द एमईपी ऑफ द लग्ना. सो द लग्ना इट हैज टोटली स्पॉइल्ड, हेंस वीकनिंग द लग्ना एंड इट एस्पेक्ट्स द 5th 7th एंड 9th हाउसेस विद एन एग्जैक्ट एस्पेक्ट, हेंस वीकनिंग देम ऑल. जुपिटर ने सबको चौपट कर दिया, लग्न को चौपट कर दिया, 5th को, 7th को, 9th को सब कर दिया. By virtue of being situated in the lagna, but itself Jupiter खुद तो weak है, but some strength because it has a good placement. By being situated in the lagna, an auspicious placement, Jupiter gains some strength to protect its signification. It has a conjunction with Mars, although wide, hence impacting Mars mildly. तो क्या है, Jupiter कुछ स्ट्रेंथ रिटेन करता है बिकॉज इट इज प्लेस्ड वेल. इट इज अफ्लिक्टेड, इट इज अफ्लिक्टिंग, बट 8th हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस जो हैं, चूंकि ये लग्न में प्लेस्ड है, लग्न इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, तो कुछ 8th हाउस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस जो है ये दे सकता है, लाइक इनहेरिटेंस जो कि इसने दिया. ठीक है, बाकी चिल्ड्रन वाला घर को खत्म कर दिया. ठीक है, स्पेकुलेशन वाले घर को खत्म कर दिया. दिस नेटिव हैज नेवर बीन सक्सेसफुल स्पेकुलेशन चिल्ड्रन. मैरिज वाले घर को खत्म कर दिया एग्जैक्ट एस्पेक्ट से. ठीक है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ. 9th हाउस को खत्म कर दिया, हायर एजुकेशन नहीं हो पाई. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया. ठीक है, और मिसफॉर्च्यून्स गलोर in his life. This is a unique example of a single or single planet Venus, kyunki Venus ki antardashaein, Venus ki mahadasha is aadmi ki zindagi mein nahi aayi, antardashaein aayi. To Venus kyunki sabse lamba dasha period ka hota hai, to iski antardashaein jo hai na 3 saal 4 saal 3 saal 2 saal ki hoti hai, to overall 20-25 saal ki to iski antardashaein ho gayi. But this, जब जब आया brilliant period से, in this Venus has been able to carry this person, you know, इसकी नैया जिसको कहते हैं हिंदी में पार लगा दी अच्छे तरीके से. Anyway, तो Jupiter हो गया. Jupiter is generally खराबी करेगा. Jupiter, Mars, it is a functional malefic planet sitting in the lagna, spoils lagna somewhat as it has a wide conjunction with it. It also somewhat impacts Jupiter. It aspects 4th, 7th and 8th houses. By sitting in the lagna in auspicious position, it retains some power to protect its signification. ठीक है, Venus ने, Mars ने ज्यादा कुछ वो नहीं किया. हाँ, Mars और Venus इस horoscope को हम study करेंगे detail में. ठीक है, ये यहाँ बैठने से जो है ना, Jupiter 8th house का lord होकर के लग्न को खराब करने से ये ब्रेन में कुछ ना कुछ देने का, एनी बीमारी एक्सेट्रा है, सीरियस बीमारी एसोसिएटेड विद द हेड, ब्रेन हेड ये दिया इसने. बट चूंकि लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस पर्सन कुड कम आउट ऑफ अ पैरालिटिक अटैक आल्सो. ही हैड अ पैरालिटिक अटैक आल्सो, बट थैंक्स टू वीनस एग्जॉल्टेड लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ डिजीज, this person could come out of it. ठीक है, हर तरह की बीमारी हो चुकी है. मार्क्स भी यही है, 12th का लॉर्ड लग्न में बैठा है और 8th का लॉर्ड लग्न में बैठा है, तो एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हुए, बट एवरी टाइम दिस पर्सन कुड कम आउट ऑफ इट. तो मार्स हो गया. सैटर्न अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, ये योग कारक ग्रह होता है सैटर्न टॉरस लग्न के लिए. ठीक है, योग कारक ग्रह इज अ ग्रह इन एनी हॉरोस्कोप विच इज यू नो लॉर्ड ऑफ अ केंद्रा एंड अ ट्राइन, जिसको 5th और 9th को ट्राइन कहते हैं. तो ये सैटर्न अदरवाइज टॉरस लग्न के लिए जो कारक ग्रह माना जाता है, उसको थोड़ी उसकी स्ट्रेंथ होती है. अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट एंड योग कारक, बट वीक एज इन इट्स इन ओल्ड एज, ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ खत्म है, 29 डिग्रीज का है.
but weak in old age and sitting in a sign house adversely impacted by Jupiter, loses most of its power to protect its results. Its dispositor Mercury is also very weak, so it further loses power. Moon, a functional benefit planet in old age, thus losing its potential to protect its significations. Rahu, well-placed, so can give good material benefits. Ketu, well-placed, and can give some good results which are associated with the spiritual side of things. However, its dispositor Moon is quite weak. Conclusion, except Venus, other planets are weak or just of mediocre strength. So a life with average growth prospects is promised. डिस्पोजिटर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. देखिए डिस्पोजिटर, एक तो डिस्पोजिटर हम खाली देखते हैं मूल त्रिकोण राशियों का डिस्पोजिटर होता है. हेलो, म्यूट कर लीजिए प्लीज. डिस्पोजिटर, समबडी वाज आस्किंग मी, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट डिस्पोजिटर इज. Any planet sitting in any Mool Trikon Rashi will have a dispositor. Like Saturn is sitting here in the fifth house, in the Rashi of Mercury. Okay? It is sitting in the Rashi of Mercury. So Mercury becomes the dispositor of Saturn. Mercury becomes the dispositor of Saturn. Dispositor of Saturn, Mercury कहाँ बैठा है? 12th house में बैठा है. It is very weak. So, any planet cannot be stronger than its dispositor. This is one theory in the systematic approach. Any planet whose dispositor is weak will become as weak as that planet. ये कितना भी strong होगा Saturn, केतु देख लीजिए. केतु फॉर एग्जाम्पल, केतु का डिस्पोजिटर कौन है? केतु किसके साइन में बैठा है? हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस राशि? मून. मून इज सिटिंग हियर एट 29 डिग्रीज इन द 9th हाउस, सो इट्स वीक. सो केतु विल लूज स्ट्रेंथ. ओके, नाउ लेट्स कम टू सन. हु इज द डिस्पोजिटर फॉर सन? मार्स. Mars is sitting here, okay? Mars, although it's a functional malefic planet, but it's not totally weak, okay? Because it is sitting in the Lagna, okay? It has a very wide conjunction with Jupiter. So it's not all that affected. So Sun, on account of its dispositor, will not become very weak. Similarly, Mercury ka dispositor is Mars. Okay? So Mercury, on account of its dispositor, will not become weak. It is weak on other counts. Is there any dispositor for Venus? Tell me. Yes, sir. Jupiter no. And no, sir. No, sir. No. There will not be any dispositor for Jupiter because Venus, because only Mool Trikona Rashis, planets sitting Mool Trikona Rashis, will have dispositors. Any planet cannot be stronger than its dispositor in systems approach. ये कितना भी strong हो जाए, लेकिन अपने dispositor का जो strength होता है, उससे ज़्यादा strong नहीं हो सकता है. वो बताया ना, मकान मालिक अगर कमजोर हो गया तो ये tenant है. Saturn यहाँ पर tenant है. इसका lord जो है ना, इसका lord इसका dispositor है. ये lord अगर मजबूत होगा तभी tenant strong. That's how it is. Saturn is sitting as the tenant of Mercury. If Mercury is weak, Saturn becomes weak because iska ghar jo hai kamzor ho jayega. Mercury agar hoga, it will not be able to protect itself. So Saturn will become weak. So ye hai, this is how we understand the strengths of planets. Assessing the strengths of planets. इसका कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से. इसको आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा.
और दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे सर एक क्वेश्चन है मेबी दिस में बी टू अर्ली टू आई मीन एक क्वेश्चन है पूछूं आपको हाँ पूछिए ना सी लाइक अभी कोई प्लैनेट सपोज आइदर ओल्ड एज या इन्फेंट भी होगा कंबस्ट भी होगा और शायद डेबिलिटेटेड भी होगा तो ये सारे जो ये है वो सारे चीजों के लिए कुछ फॉर्मूला होता होगा ना कुछ ऐड करके है ना वो आएंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स हम लोग करेंगे कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है वो सब हम लोग पढ़ेंगे बस ये है इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल दिमाग में आप लोगों को ये थोड़ा शुरू शुरू में लगेगा इट्स क्वाइट हैवी यू नो स्पेशली That is why I was all of you. I was asking you to join my Vedic classes also. ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा. Yes. ठीक है. It is totally षडबल जिसको आप बोलते हैं ना षडबल. वो निकालने का हमारा दूसरा तरीका. वो निकालेंगे हम लोग. दो तीन क्लास के बाद है वो. अभी हम ये हाँ. आपने जो most ये benefit के लिए जो मूल त्रिकोण fourth, eleventh, two, second house ये बताया. तो किसी जैसे स्कॉर्पियो में 4 एंड 11 हाउस में मूल पड़ती हैं दोनों है ना वो देखिए टेबल भी दिया हुआ है ना तो एक मानेंगे या दोनों मानेंगे सर? दोनों मानेंगे अच्छा दोनों मानेंगे ठीक सर वो टेबल है आप देखिए उसको टेबल दिया हुआ है सर इसका पीडीएफ दे आप मिल जाता तो मैं भेज दूंगा यार पीडीएफ में तीन क्लास करने के बाद भेजूं या कल ही भेज दूं सबके फिर पूरा वीडियो देखना पड़ता है कम से कम एक पेज में पढ़ लेंगे तो रोज नहीं भेजता हूँ मैं आप लोग भी उसको एक साथ मिलेगा कुछ तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा एक साथ आप लोगों को भी निकालना प्रिंट आउट फिर लेके रोज निकालना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा इसीलिए एक साथ ही अभी 8-10 लेसन हो जाएंगे ना 10 लेसन तो क्लियर था आज का या कुछ सर थोड़ा सा फास्ट हो गया बस क्लियर है क्लैरिटी तो फास्ट है क्लैरिटी है सर थोड़ा सा फास्ट नहीं तो बोलिए मैं फिर से कर दूंगा इसको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अब मैं कर दूंगा बोलो अब मैं इसको उसका कल इसका एक रिवीजन कर लूंगा आगे बढ़ने के पहले यस यस सर ठीक है इसका रिवीजन कर लूंगा आगे बढ़ने के पहले सर एक रिक्वेस्ट है आप जो पत्रिका डिस्कस करने वाले होते हो ना क्लास में इफ यू पुट दैट हॉरोस्कोप इन ग्रुप तो उसका जो बेसिक मूल त्रिकोण राशि कौन सा है अफ्लिक्टेड कौन सा है जो अभी आपने पढ़ा है अभी तक अकॉर्डिंगली वी कैन मेक नोट्स ऑफ दैट अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा तो वो लॉजिक लगाने में इजी पड़ जाएगा ठीक है कर दूंगा भेज दूंगा मैं है ना कल तो आई थिंक वी विल बी डिस्कसिंग देख लेंगे मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट चैप्टर खोल के क्या है तो जैसा होगा मैं भेज दूंगा आपको ठीक है ना हाँ मतलब जो डिग्रीज वगैरह है दैट वी कैन नाउ अकॉर्डिंग टू योर वीडियोस वी कैन जॉट इट डाउन यस यस ठीक है भेज दूंगा चलिए और आई नो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा पहले दिन ये आई न्यू कि ये थोड़ा सा दैट इज व्हाई आई हैड रिटन इन माय मैसेज टुडे दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास डोंट मिस इट ऑल्दो आई सी दैट वन और टू पीपल हैव मिस्ड इट बाद में खाली देखिए वीडियो देखने से नहीं समझ में आता है तो ठीक है ना आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे वन टू वन थोड़ा डिस्कशन नहीं होगा तब तक तो चलो एनीवे आप अगर और कुछ नहीं है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 11 टुडे वी विल कॉल इट अ डे ओके गुड नाइट बाय गुड नाइट सर थैंक यू गुड नाइट